नमस्कार, वीके न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। भाभी और देवरानी का रिश्ता टॉम एंड जेरी से कम नहीं होता। अक्सर दोनों के बीच लड़ाई तो होती रहती है, पर इस बार भाभी ने ऐसा काम कर दिया कि देवरानी को काल कोठरी वाले ससुराल में रातें बितानी पड़ जाएं, क्योंकि देवरानी की तस्वीर अब वायरल हो रही है। मामला यूपी का है और मामला ऐसा कि यूपी पुलिस एक्शन में आ जाए। जी हाँ, शादी और पार्टी में तो आपने कई बार अवैध असलाह और बंदूकों को लहराते हुए मंचलों को देखा होगा, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए कानून को कुछ भी नहीं समझते। ऐसे मामले आए दिन वायरल होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा मामला देखा या सुना जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अवैध असलहे के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हों और अब उसकी तस्वीर वायरल हो गई। मामला बागपत के बड़ौत इलाके का है, जहां एक युवती और उसके प्रेमी के पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इन तस्वीरों को वायरल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की सगी भाभी है, जिसने फोटो वायरल कर कोतवाली पुलिस से भी शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि भाभी ने ऐसा किया क्यों, तो पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। दरअसल बिजरोल गांव की रहने वाली युवती की 2 साल पहले शादी बावली गांव के रहने वाले युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके चलते युवती का अपनी भाभी के साथ झगड़ा हो गया और वो अपनी ससुराल को छोड़कर कस्बा बड़ौत में ही रहने लगी। यही नहीं, उसने कुछ दिन पहले भाभी समेत 5 लोगों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया और अब कहीं से उसकी भाभी के हाथ में ये फोटोज लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवती के हाथ में पिस्तौल है और उसने शख्स के कनपट्टी पर उसे तान रखा है। ये तस्वीर शेयर करते हुए भाभी ने कोतवाली बड़ौत में शिकायत की, साथ ही तस्वीर को भी सौंप दिया। फोटो वायरल होने और युवती की भाभी की शिकायत के आधार पर कोतवाली बड़ौत पुलिस युवती और उसके प्रेमी की तलाश में लग गई है। कोतवाली बड़ौत इंस्पेक्टर शिव प्रकाश चौहान का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी, आगे कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर बंदूक कहां से आई और कब तक पुलिस इस जोड़ी को पकड़ पाती है। फिलहाल के लिए इस मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।